लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भागलपुर शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में शहर के कई संस्थानों, स्काउट गाइड, एनसीसी, कई स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। साथ ही शहर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी, डॉक्टर व व्यवसायी वर्ग के लोगों ने इस रैली में शामिल होकर आमजनों को जागरूक करने का काम किया। यह मतदाता जागरूकता रैली दैनिक अखबार प्रभात खबर के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस रैली में शहर के हजारों लोगों ने शिरकत किया। मतदान और चुनाव लोकतंत्र का महापर्व और इसका हमें उपयोग करना चाहिए। अगर हम मतदान करेंगे तो अपने इच्छित उम्मीदवार को चुन सकेंगे। अच्छा उम्मीदवार चुनना है तो मतदान करना है। मतदान को आवश्यक बनाना चाहिए, तभी हर घर से मतदान होगा। आवश्यकता इस बात की है कि घर घर से लोग निकलें, और जैसे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रभात खबर ने किया है, इस प्रकार के कार्यक्रमों को लगातार चलाना चाहिए और हमें अपने मतदान का निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए। मैं प्रभात खबर परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह का कार्यक्रम इन लोग जो आयोजन किए हैं, ये धन्यवाद के काबिल हैं। और विशेषकर हमारे ये महापर्व 5 साल में आता है और इसका फ़ायदा हम जनता को लेना चाहिए। विशेषकर हम आदिवासी इस चीज़ को अभी तक नहीं जान पाए हैं कि वास्तव में लोकतंत्र का में अधिकार क्या मिला हुआ है। इस तरह की जो आप लोग जागरूकता फैलाए हुए हैं, इससे ऐसा लगता है कि लोग उस गांव देहात तक भी ये पहुंचेगा कि हम अपने अधिकार को पहचानें और अच्छे नेता को हम देश के लिए चुनें। और चूँकि हमारे पब्लिक का अच्छा से काम हो, जो विकास हो रहा है वो विकास को हम लोग सराहना देते हैं और उसे अच्छा और विकास हो, हमारा देश विदेश में भी हमारा देश का नाम हो। सबसे पहले प्रभात खबर को धन्यवाद देना चाहूँगी। मतदाता दिवस नागरिकों का अधिकार है, वोट देना चाहिए और इसके लिए सारा सुविधा सरकार देती है। घर से ले जाने तक के लिए हमें सुविधा प्रदान की है और महिला को इसमें चढ़ बढ़ के भाग लेना चाहिए। मैं फारूक अली प्रभात खबर का धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगा कि मतदान एक राष्ट्र पर्व के तरह है और इस राष्ट्र पर्व में आनंद के साथ शामिल होना चाहिए सबको। ये मौका कई साल बाद एक बार आता है, इसलिए और मतदान के दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है, हम उसका लाभ लें और ज़रूर घर से मतदान करने को निकलें। शहरी क्षेत्र में थोड़ा गिरावट है, देहाती क्षेत्र में लोग ज़्यादा जागरूक हैं, इसलिए वो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं और शहरी लोग ज़्यादा सुविधा भोगी हैं। इसमें तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि वे घरों से निकलें और डेट भी तय हो गया है और ज़रूर उस दिन मतदान करें और अपने ही नहीं पूरे परिवार के लोगों को ले जाएं। पहले मतदान तब कोई काम। भागलपुर में अपने जमाने के शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे मोहम्मद जियाउद्दीन की याद में भागलपुर के निजी होटल में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर के निजी व सरकारी स्कूल के दर्जनों बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में नन्हे ननिहालों ने अपने हुनर का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और बच्चों को संगठन की ओर से मेडल व मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान शतरंज संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, संरक्षक फारूक अली समेत मोहम्मद जियाउद्दीन की पत्नी अनवर जोया व उनकी बेटी राहत जोया भी मौजूद रहीं। उन दोनों को भी विशेष रूप से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी व अभिभावक मौजूद थे। चेस का टूर्नामेंट था, ओपन टूर्नामेंट था और इसमें आज रैंकिंग दिया गया। मोहम्मद जियाउद्दीन मेमोरियल टूर्नामेंट था और जैसा कि आप लोग जानते होंगे या चेस प्रेमी सब जानते हैं, जियाउद्दीन साहब यहाँ संस्थापक सचिव थे और उन्होंने खेल को, चेस के खेल को बहुत आगे बढ़ाया। विगत कुछ वर्षों से वो एक्टिव नहीं थे और खेल बहुत पीछे जा रहा था, लेकिन चेस प्रेमियों ने उनके याद को भुलाया नहीं और उनकी मृत्यु पिछले साल हो गई तो उनके याद में ये मेमोरियल टूर्नामेंट रखा गया और बहुत अच्छा आयोजन हुआ और बहुत बच्चे इसमें प्रतिभागी बच्चे उभर कर आ रहे हैं जो सीनियर खिलाड़ी को हरा पाने की क्षमता रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के खेल के आयोजन से भविष्य में चेस जो है आगे बढ़ेगा। जिला शतरंज संघ की ओर से आप सबों को मैं शुभकामना देता हूँ, साथ ही साथ जो मोहम्मद जियाउद्दीन साहब के याद में ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया, हम समझते हैं ये अनोखा है और उनके किए गए कार्यों को
जिस शतरंज संघ को जिंदा करने में, इनको आगे बढ़ाने में तमाम जो बहुत ही झंझावात आया था, उसके बावजूद भी उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और उनके याद में टूर्नामेंट का आयोजन करना और उसमें डॉक्टर साहब का इतना योगदान, ये हम समझते हैं बहुत ही सराहनीय है। और पूरे भागलपुर जिला शतरंज संघ के सभी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ। हालांकि मैं संरक्षक हूँ, लेकिन संरक्षक तो संरक्षक होता, असल तो काम उसके सचिव और अध्यक्ष करते हैं। मैं उभरते हुए खिलाड़ियों को आपकी तरफ से शुभकामना देता हूँ और खेल से भी मनोयोग से अगर काम किया जाए खेल में भी, तो उसमें भी कैरियर बनता है और कैरियर में उछाल आता है। और आज पूरे दुनिया में खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है, राष्ट्रीयता बढ़ी है, देश में सम्मान बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ा है। मैं जियाउद्दीन साहब को याद करते हुए आज के इस आयोजन के सफल आयोजन के लिए मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में मां आनंदी संस्था की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आज के इस होली मिलन समारोह में भागलपुर वृद्धाश्रम के वृद्धजनों के बीच संस्था के लोगों ने होली मनाया। संस्था के अध्यक्ष प्रिया सोनी ने कहा कि सभी लोग तो आपस में मिलकर अपनों के साथ होली मनाते हैं, लेकिन हमारी संस्था ऐसे लोगों के साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं जिन लोगों को परिवार के द्वारा उन्हें परिवार से अलग कर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। माँ आनंदी संस्था की ओर से होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन वृद्धा आश्रम के अभिभावक स्वरूप परिजन एवं सभी माता एवं बाबा के साथ साथ हम लोग संस्था के सभी सदस्यों के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत अभी जो है आज मनोरंजन का कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम इन सभी के साथ किया जाएगा। और असली मायने में यदि होली महोत्सव का जो यह रंगों का त्यौहार है, तो यदि इसका माना जाए तो जब तक जैसे होली में रंग एवं गुलाल के बिना अधूरा होता है, वैसे हमारे जीवन में वृद्ध जनों के आशीर्वाद के बिना हमारा यह जीवन अधूरा है। तो हम लोगों के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा एक छोटी सी प्रयास की गई है, वृद्ध जनों के आशीर्वाद के साथ हम लोग होली मनाए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। पुलिस जिला नवगछा में DSP कार्यालय के सामने बीते 8 मार्च को प्रखंड प्रमुख के बेटे की हत्या के बाद जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। पप्पू यादव ने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया, साथ ही न्याय का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने नवगछा SP से बात कर जल्द कार्रवाई करने का उनसे आग्रह किया।
पप्पू यादव ने कहा कि घटना दुखद है, एसपी से बात हुई है, 72 घंटे के अंदर कार्रवाई की बात उनकी तरफ से कही गई है। अपराधी जो भी हो उसे जेल में नहीं बल्कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए। हम आपको बता दें कि बीते 8 मार्च को इस्माइलपुर प्रखंड प्रमुख मालती देवी के बेटे प्रॉपर्टी डीलर मिथुन यादव डीएसपी कार्यालय के सामने गोदाम का निर्माण करवा रहे थे। इस दौरान 3 नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वो बहुत गंभीर है और सुरक्षा के सवाल पर लाइसेंस भी, और उसमें उन्होंने कहा कि हमको सर 72 घंटा का समय दिया जाए, हम खुद इस केस को मॉनिटरिंग करेंगे, एसपीडी ट्रायल हो, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे लोग किसी भी कीमत पर जेल में जगह नहीं, ऐसे लोगों को इनकाउंटर होना चाहिए। जो हालात है अभी भी डर लगा हुआ है इस परिवार को, सभी लोग सहमे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 बच्चे हैं, तो हम तो लगेंगे इसको या तो इनकाउंटर हो या तो स्पीडी ट्रायल हो 3 महीने और उसको फांसी की सज़ा हो। इस परिवार की सुरक्षा के संदर्भ में लाइसेंस हो, इसकी हम बात।